हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व करने वाला हूं, वो है डेटा करप्ट हो जाने की। अक्सर मेरे को लोग पूछते हैं कि अगर हमारी फाइल्स करप्ट हो गई, चाहे सॉफ्टवेयर की वजह से, वायरस की वजह से, सिस्टम के क्रैश होने की वजह से, या फिर हार्डवेयर फेल होने जाने की वजह से कि डिस्क खराब हो गई, सीपीयू खराब हो गया, या किसी ने गलती से उसको डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया ड्राइव को, कुछ भी हो सकता है, तब आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को कैसे रिकवर करेंगे। वेल, आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूं जो कि है अल्ट डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए आप किसी भी तरह का डेटा जो डिलीट हो गया हो उसको सिर्फ 3 स्टेप में रिकवर कर सकते हैं। चाहे वो डेटा वीडियोस का हो, म्यूजिक हो, मेल्स हो, पीडीएफ, सिस्टम की फाइल्स, गेम्स, रार फाइल, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, कुछ भी हो, बहुत इजी है और मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूं उसको। यहां से सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे हम। इससे आपके लॉस्ट डेटा को रिकवर करना सबसे आसान है। बस आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो जगह चुननी है जहां पे आपको लगता था कि आपका डेटा खोया है, फिर आपने स्कैन करना है। ये देखिए, आपको आपकी ड्राइव चुनने के लिए देता है, एक्सटर्नल ड्राइव लगी है तो उसमें भी चुन सकते हैं, और कॉमन जगहें जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, रिसाइकल बिन, वहां पे भी कुछ रिकवर करने से पहले आइए हम कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहां पे एक ये फाइल है मेरे पास, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, इसके अंदर और भी फाइल्स हैं, करेक्ट है। मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, पूरे फोल्डर को डिलीट कर रहा हूं। ये डिलीट हो गया। अब मैं जा रहा हूं रिसाइकल बिन में और यहां से भी इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं वापस से हमारे सॉफ्टवेयर में और अब यहां से मैं रिसाइकल बिन चुनता हूं और इसको स्कैन करता हूं। ये देखिए, यहां पे आपके फोल्डर्स दिखा रहा है, यहां पे आपका फाइल व्यू भी आप देख सकते हैं और यहां पे ये स्कैन करता जा रहा है इनको और यहां पे परसेंटेज दिखा रहा है। मैं डायरेक्टली रिसाइकल बिन में जा सकता हूं। ये देखिए, इसके अंदर यहां से जा रहा हूं। जैसे ही इसका स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को मेरी फाइल्स का प्रीव्यू भी दिख जाएगा। अब इसके स्कैन को कंप्लीट होने देते हम। तो ये देखिए, ये स्कैन कंप्लीट हो गया है। हम हमारे रिसाइकल बिन में वापस जाते हैं, यहां से अंदर जाते हैं और अब हमारे उस फोल्डर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सब डिलीटेड फाइल्स हमको यहाँ पे दिख रही हैं। हम जिसी को भी चाहें उसको रिकवर कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसका नाम था टॉप 10 और यहाँ पे एंटर दबाते हैं। ये देखिए, ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी का जो डिलीटेड डेटा था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। देख रहे हैं आप कितना आसान है। अब इसको मेरे को रिकवर करना है तो मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा, इसको रिकवर कर लूंगा। इसके अंदर की फाइल्स चाहिए तो देखिए, सारी की सारी फाइल्स आ गई। ये हमने रिमेंबर रिसाइकल बिन से भी जाके डिलीट कर दिया था। यहां से मैं बैक जा रहा हूं, इस पूरे फोल्डर को रिकवर कर सकता हूं मैं। देखिए, तो यहां पे इसको सेलेक्ट करूंगा, रिकवर करूंगा, मुझसे जगह पूछ रहा है। तो इतना ध्यान रखिए कि जिस फोल्डर में से डिलीट हुआ था वहां पे वापस रिकवर ना कराएं, किसी और फोल्डर में रिकवर कराएं। तो मैं इसको ई ड्राइव में रिकवर कराता हूं और इस फोल्डर में रिकवर कराता हूं। यस, ओपन। ये देखिए, हमारा डेटा सारा रिकवर हो गया है ना, बढ़िया। आपने किसी चीज को डिलीट करा, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, तभी ये वापस ढूंढ के ले आया। सोचिए कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है और यूज करना सुपर आसान है। किसी भी तरह का डेटा आप इससे रिकवर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसको डाउनलोड करना भी बड़ा आसान है। और डेटा को आप जो नीचे लिंक दिया है वहां से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।